तो महागठबंधन के बाद एनडीए में भी घमासान शुरू हो चुका है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि महागठबंधन में जो घमासान है उसको शांत करने में कांग्रेस पार्टी जी जान से जुटी हुई है। जीतन राम मांझी फिलहाल शांत हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव जीतन राम मांझी से मिलकर सबको एक साथ लाने में लगता है कामयाब हो जाएगी। लेकिन इस बीच एनडीए में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान लगातार एनडीए को छोड़ने का संकेत दे रहे हैं, लगातार वो नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। दरअसल चिराग पासवान बीजेपी को भरोसे में लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें उनकी पार्टी को मिली थी उतनी ही सीटें इस बार भी मिले, लेकिन नीतीश कुमार के जेडीयू में बीजेपी में आ जाने के बाद सीटों का घटना स्वाभाविक है और चिराग पासवान इसी बात को लेकर चिंतित हैं और तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। लेकिन अब चिराग पासवान जिस बीजेपी के भरोसे बैठे हुए हैं कि उनकी पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, उसी बीजेपी के नेता ने अब चिराग पासवान पर हमला बोल दिया है, उनको आईना दिखा दिया है। बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान ने खुलकर रामविलास पासवान और चिराग पासवान पर हमला बोला है और संजय पासवान ने कहा है कि रामविलास पासवान सत्ता में बने रहने के लिए नाटक कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी जेडीयू को लोजपा की दरकार नहीं है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी के विधान पार्षद ने कह दिया है कि रामविलास पासवान सत्ता में बने रहने के लिए नाटक करते हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी जेडीयू को सरकार बनाने के लिए एलजेपी की या रामविलास पासवान और चिराग पासवान की दरकार नहीं है। बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान ने कहा कि बिहार चुनाव स्थगित करने को लेकर चिराग पासवान का बयान बेहद आपत्तिजनक है। चिराग पासवान या जो भी नेता चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं उन्हें लोकतंत्र और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। चुनाव आयोग ने जब फैसला लिया तो उसे मानना ही होगा। दरअसल विवाद इस बात को लेकर बढ़ा है, बीजेपी इस बात को लेकर नाराज हुई है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की मांग का समर्थन कर दिया है। दरअसल बीजेपी चुनाव तैयारी में जुटी हुई है, जेडीयू चुनाव तैयारी में जुटा हुआ है, चिराग पासवान भी जुटे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार चुनाव का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना के संकट काल में चुनाव कराना ठीक नहीं है और अब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की भाषा बोलने शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान तेजस्वी यादव की तिकड़ी नीतीश कुमार की लगातार घेराबंदी में जुटी हुई है और इसका जवाब अब बीजेपी ने दे दिया है। संजय पासवान ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि रामविलास पासवान सत्ता में बने रहने के लिए नाटक कर रहे हैं और जेडीयू बीजेपी को रामविलास पासवान की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के बगैर भी बीजेपी जेडीयू की सरकार बन सकती है, ये कहना है बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान का। संजय पासवान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और वो इस तरह के बयान देने के लिए जाने भी जाते हैं। नीतीश कुमार की भी घेराबंदी वो बहुत कर चुके हैं प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर और समय समय पर घेराबंदी करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने चिराग पासवान को लपेटा है। संजय पासवान बीजेपी के विधान पार्षद हैं और वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। संजय पासवान अपने बयानों से अक्सर विवाद पैदा करते रहते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ, जैसा कि मैंने बताया, मोर्चा खोल दिया था और उन्होंने कहा था कि आगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार के ही बीजेपी बिहार में नेतृत्व संभालने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी कह चुकी है कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए का नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो सारा विवाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने खत्म कर दिया है और बीजेपी जेडीयू के बीच अब कोई खटास नहीं दिख रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से संजय पासवान ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला है, लगता है कि अब कलह और तेज होगी। चिराग पासवान कैसे प्रतिक्रिया देते हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि महागठबंधन में रार मचा हुआ है और एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, उनको पता चले कि एनडीए में भी ऑल इज वेल नहीं है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।